करवा चौथ का त्यौहार भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी विधि विधान से पूजा करती हैं। सजने सवरने से लेकर चांद को अर्घ देने तक करवा चौथ की हर रस्म में एक खास तरह की भावनात्मक जुड़ाव होता है। आमतौर पर महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर करवा बदलने की रस्म करती हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से अकेली हैं या अपने घर से दूर हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि करवा चौथ की पूजा अकेले कैसे करें। दरअसल कई कामकाजी महिलाएं, वो जो अपने परिवार से दूर रहती हैं, अकेलेपन की वजह से करवा चौथ की पूजा करने में असमंजस में पड़ जाती हैं। अगर आप भी इस बार अकेले पूजा कर रही हैं और करवा बदलने के लिए कोई सखी या कोई औरत नहीं है, तो आप माँ गौरी को अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। अकेले पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले मिट्टी से माँ गौरी की मूर्ति बना ले। ये मूर्ति आपके सखी के रूप में होगी, जिसे आप पूरे विधि विधान से पूजेंगी। पूजा शुरू करने से पहले माँ गौरी से प्रार्थना करें और उन्हें अपनी सखी के रूप में स्वीकार करें। आप अपनी पूजा की सामग्री को माँ गौरी की ओर से माँ करवा को अर्पित करें। अपने लिए जो पूजा सामग्री चढ़ा रहे हैं, वही सामग्री माँ गौरी के लिए भी अर्पित करें। इसके बाद अपने करवा के साथ साथ माँ गौरी का करवा भी बदलें। इस तरह आप अकेले होने के बावजूद करवा बदलने की रस्म पूरी कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।